मित्रों नमस्कार। मित्र मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों स्टॉक पे चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ। दोस्तों मैं इस स्टॉक के ऊपर पुलिस रखता हूँ। मैं इस स्टॉक के ऊपर काफी समय पहले से अपने एडवाइजर को, अपने पैन मेंबर को, अपने ग्राहकों को पहले से एडवाइस करता रहा हूँ और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, चार PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से सिर्फ एक ही कंपनी लिस्टेड हो पाई है और उसका नाम है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। इस PSU स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपको पैसे में 8% 5% की ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको आगे आने वाले 5, 10 और 20 सालों में आपका ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा, जहां पे स्टॉक की वैल्यूएशन आपको रिटर्न्स के मायने में 5 गुना 10 गुना और 50 गुना तक भी होने की क्षमता रखता है। दोस्तों स्टॉक की विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे आपको आमंत्रित करता हूं, जहां पे आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे ऐसे ये प्रार्थना लिखकर। दोस्तों स्टॉक का कोड नंबर है 540769। इसका ग्रुप है, एक ग्रुप को आती है NIACL, इसका ग्रुप कोड है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो इसका पूरा नाम है। 1 जनवरी 2021 के डाटा के हिसाब से जो इसकी क्लोजिंग हुई थी 129.15 रुपए पे हुई है, जो अपने प्रीवियस क्लोजिंग से +0.31% का ग्रोथ दिया था। दोस्तों इसके अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 17,148 स्टॉक का ट्रेड हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग इसका 128.75 रुपए पे था और अगर डे लो की बात करें तो 128.70 रुपए इसका डे लो है और 131 रुपए इसका डे हाई था। दोस्तों अगर 52 बिक की बात करते हैं तो 52 बिक में 75 रुपए का था और 52 बिक हाई 172 रुपए के ऊपर ट्रेड करी हुई थी। अगर इसकी मार्केट कैप देखते हैं 21,283.92 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। दोस्तों अगर इसका ग्राफिकल चार्ट देखते हैं आप इसके एक सालों का, आप देखेंगे जहां पे 172 रुपए पे ट्रेड करी थी वहीं पे मार्च में 23 तारीख को इसकी क्लोजिंग प्राइस 75 रुपए पे भी आई हुई है और ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता अपने 172 की क्लोजिंग की तरफ बढ़ती जा रही है और कुछ ही महीनों में ये आपको 200 के आंकड़ा को पार करती हुई स्टॉक नजर आएगी। दोस्तों इस स्टॉक पे और आगे की बात करूं मैं तो इसका कंपनी डिटेल्स अगर आप देखेंगे, कंपनी का जो रिपोर्ट कार्ड है कुछ इस तरीके से है। PE रेशियो 15.01 का है, EPS 8.06 रुपीज का है, सेल्स इन रुपीज है करोड़ में 827.77 करोड़ का इसने सेल्स किया है, फेस वैल्यू 5 रुपए की है और मार्जिन इसका, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका परसेंटेज में बात करें तो 51.80% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों लास्ट बोनस 1:1 का दिया हुआ है और लास्ट डिविडेंड जो परसेंटेज है वो 30 का है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी 6.8 का है। दोस्तों मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड रहेगा कि आपको इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और प्राप्त करने के लिए अनगिनत रास्ते हैं। इस स्टॉक को आप एक लंबे समय के हिसाब से होल्डिंग करके रखें, निश्चित तौर पे ये स्टॉक अच्छे बोनस के साथ में अच्छा डिविडेंड भी आपको देने वाली है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाल के देने वाली है। मैं इस स्टॉक को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूं। निश्चित तौर पे एक लंबे समय के हिसाब से आपको इसमें बन के रहना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन शुरू हो गया है, ज्वाइन बटन के अंदर आप पैड मेंबरशिप लेकर के भी हमारे पैड मेंबरशिप बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों आज के स्टॉक पे चर्चा को कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता।